हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बेसिकली मैंने ये दो डिज़ाइन को मिलाकर बनाया हुआ है। देखिए, एक जाली वाला है और एक ये बबल वाला डिज़ाइन है। और ये जैसे आप कार्डिगन बनाते हैं या हाफ जैकेट बनाते हैं आप लेडीज का, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। आप जिसमें भी इसको डालेंगे बहुत उभरा उभरा बनेगा। चाहे तो आप बच्चों के जो कार्डिगन बनाते हैं उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने दो डिज़ाइन को मिलाकर ये बनाया हुआ है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं और आप किसी भी कलर में इसको डालेंगे ये बहुत उभर के आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो जितना मैंने बनाया हुआ है इसको आपको 18 के मल्टीपल फंदे करने होंगे तब ये ऐसा बनेगा। और प्लस आप उसमें 4 कर लीजिए। 4 में से आप 2 तो ये इस डिज़ाइन के लिए रखोगे। जो लास्ट में 2 गैप के फंदे हैं ये उल्टे, और 2 आपके एज के फंदे आ जाएंगे। तो जब भी आप बनाएंगे आप 18 के मल्टीपल प्लस 4 कर लीजिए आखिरी में, मतलब लास्ट में आप 18 के मल्टीपल प्लस 4 कीजिए। तो ये डिज़ाइन आपका बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसको पहली लाइन से दिखाती हूँ। सिर्फ 4 लाइन्स का है, बहुत ईजी है बनाने में। और अगर आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं, उभरा उभरा कोई डिज़ाइन आपको चाहिए, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो फंदा है उसको उतारेंगे। ये जो सारा डिज़ाइन है 4 ही लाइन में ही बनता है। अब ये 2 फंदे जो हैं कैप के हैं, एक फंदा शुरू का उतार के 2 फंदे गैप के हैं। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जो ये जाली वाला डिज़ाइन है ये 5 फंदों का है। फिर धागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे। आप यहाँ पे 4 फंदे भी उल्टे रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं बीच में, जितने आपकी मर्जी है। फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 7 फंदों का बबल वाला डिज़ाइन है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। पहली रो में आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर धागा एक बार लपेटेंगे, एक बार इसको और बनाएंगे। तो 1 के 3 बन गए, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए, 1 धागा लपेटा और एक बार और बनाया, 2 फंदे सीधे, 1, 2। अब ये इतना डिज़ाइन आप बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐसे आगे चलता हुआ जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको रिपीट करना है। यहाँ से बोला है इसका मतलब आपको 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, और फिर से देखिए यहाँ तक। तो आपको इसके लिए आपको 18 के ही मल्टीपल करने होंगे। मैंने प्लस 2 बोला, लेकिन आपको 18 के मल्टीपल प्लस 2 करने हैं। प्लस 4 मत कीजिएगा, प्लस 2 करेंगे। यहाँ तक ये 18 फंदे हो रहे हैं जहाँ तक आपके उल्टे आ रहे हैं। तो यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। देखिए, यहाँ से ये जो उल्टे बनाए हमने, इसके बाद हम फिर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2। फिर धागा पीछे, 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे ऐसे, और एक फंदे पे हम 3 फंदे बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा पीछे किया ऐसे लपेट के, और एक बार इसी को फिर से बना दिया। फिर एक फंदा सीधा, फिर 1 के 3 बनाएंगे। एक बार बनाया, लपेटा धागा इस पे, एक बार फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2। अब लास्ट में आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो आपको 18 के मल्टीपल ही करने हैं इसमें। आपका इस तरीके से लास्ट में 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे अगर आप 18 के मल्टीपल करेंगे। और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो 2 आपके एज पे आ जाएंगे। तो 18 के मल्टीपल प्लस 2 रखिए। अब उल्टी लाइन में जो जैसा दिख रहा है फंदा उसको वैसा बनाना है। यानी कि देखिए, ये फंदा उतारा, उसके बाद 2 फंदे आपको सीधे दिखेंगे, सीधे बनेंगे। इससे आपका डिज़ाइन और उभरा हुआ आता है अगर आप इस तरीके से उल्टी लाइन बनाते हैं। और 5 फंदे उल्टे, जो उधर से सीधे हैं वो इधर से उल्टे, सॉरी 5 नहीं, 2 फंदे उल्टे, और जो आपने 1 का 3 किया उसको स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर 1 का 3 किया है इसको ऐसे निकाल लेंगे, तीनों फंदों को स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो उल्टे बनाएंगे, और जो आपने एक का तीन किया है उसको आप स्लिप कीजिए तीनों फंदों को इस तरीके से, और एक फंदा बीच में उल्टा आएगा, फिर ये तीन फंदे आएंगे जो आपने एक के तीन किए हैं, फिर दो फंदे उल्टे, ये सात फंदों का है बीच का डिजाइन, और दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, लास्ट में आपके दो फंदे सीधे आ जाएंगे और एक फंदा आपका उल्टा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये ऐसा दिखेगा। आप देखिए नेक्स्ट रो, थर्ड रो सीधी साइड, थर्ड रो में आपने जो मैंने दिखाया वहीं से आपको इस डिजाइन को बनाते हुए जाना है और बार बार रिपीट करना है चार लाइंस को। ये तीसरी लाइन है तो एक फंदा उतारेंगे, ये दो फंदे हमेशा उल्टे ही आएंगे यहाँ पे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली वाला डिजाइन है इसके लिए हम दो फंदे दो का एक करेंगे सीधी साइड से, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और धागा अपनी तरफ है, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट के लेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, तो यहाँ पे पांच के पांच ही हो गए हैं। फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब जो आपने यहाँ पे तीन का एक किया है उसको यहाँ लाना है, सॉरी एक के तीन के वो इधर आएगा और जो ये दो फंदे सीधे हैं वो इधर जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे इनको, पहले आगे से इन तीन फंदों को पकड़ लीजिए ऐसे सलाई से, ऐसे पकड़ा, अब ये उतार देंगे दो और इनको बैक साइड से इस वाली सलाई पे, राइट वाली सलाई पे, लेफ्ट वाली सलाई पे ले जाएंगे और ये राइट में आएंगे। अब इनको ऐसे चढ़ा के बैक साइड से इसी तरीके से इसका तीन का एक कर देंगे इस तरीके से, तीन का एक, ये ऐसे हो गया। अब जो ये दो इधर हैं इनको भी सीधा बुनेंगे, बीच का एक फंदा है वो भी सीधा जाएगा, फिर से हमने तीन का एक किया है तो बैक साइड से पहले हम दो फंदों को इधर करेंगे, यहां लाएंगे इनको राइट वाले पे और ये तीन को इधर ले जाएंगे और इन सबको हम सीधा बुनेंगे, पहले दो सीधा बुनेंगे, फिर ये जो तीन का एक किया है इनको, एक का तीन किया है इनको भी ऐसे तीनों को साथ में बना के एक बना देंगे, ऐसे हो जाएगा ये। अब दो फंदे उल्टे और अब रिपीट करेंगे इस डिजाइन को, उल्टे, फिर पांच फंदों में पहले दो का एक करेंगे आगे से, धागा अपनी तरफ, एक फंदे पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ और जो ये फंदा है इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से दो का एक कर देंगे ऐसे जाली डालते हुए, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और जो ये हमने यहाँ पे बबल बनाना है तो एक का तीन जो किया है उसको यहाँ लेना है और जो दो फंदे हैं वो इस साइड आ जाएंगे बैक साइड से ऐसे, केबल ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो ये फंदे हैं इनको तीन का एक करना है साथ में बना के और दो फंदे फिर ये सीधे आएंगे, बीच का एक फंदा सीधा ही जा रहा है हर बार और जो ये तीन है वो इधर आएंगे, ये दो इधर आएंगे, तो बैक साइड से लेंगे इन दोनों को ऐसे करके, इस निडिल से ऐसे करके यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो पहले हम ये दो सिंगल सिंगल बनाएंगे, एक दो, फिर ये जो है इसको तीन का एक कर देंगे बैक साइड से बनाते हुए और लास्ट के दो फंदे उल्टे, एक दो, और लास्ट का एज का फंदा सीधा, ये देखिए इस तरीके से बनेगा। अब उल्टी लाइन में देखिए, इस वाली चौथी उल्टी लाइन है चौथे नंबर की और यही चार लाइंस को आपने बार बार रिपीट करना है। तो दो फंदे तो सीधे ही जाएंगे, वो उधर से उल्टे हैं और ये सात फंदे उल्टे, तीन चार पाँच छ सात, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, यही पूरा ऐसे ही चलता जाएगा, सात उल्टे दो सीधे, पांच उल्टे दो सीधे, ऐसे जो जाली है उसको भी आपने इस तरीके से बुनना है। बहुत इजी है और बहुत अच्छा खूबसूरत लुक आता है इसका, अगर आप इसको कार्डिगन में डालेंगे इस तरीके से या जैकेट में डालेंगे। कभी अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया इस तरीके का तो मैं इस डिज़ाइन को डाल के दिखा दूंगी कैसा लगेगा।
ये देखिए, सात फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर पांच फंदे उल्टे। जो जैसा दिख रहा है उल्टी लाइन में, वो हर बार वैसा ही आएगा। बस जब आप एक का तीन कर रहे हैं तो आपको इस लाइन में उनको स्लिप करना है। ये लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा। ये देखिए, सिर्फ चार लाइंस हैं और आपका डिजाइन इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है और लुक भी इसका बहुत अच्छा आता है। आप चाहे किसी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने लेडीज के प्रोजेक्ट पर और बच्चों के कार्डिगन पर। फिर से हम पहली लाइन से इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। तो पहली लाइन एक बार मैं रिपीट करके दिखा देती हूँ। एक फंदा उतारा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे और इस फंदे पे तीन फंदे बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा लपेटा, एक बार और बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर इस पे भी एक करते तीन बनाएंगे, ऐसे धागा घुमाया, फिर एक बार फिर बनाया और दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो सीधे बनाएंगे पहले, और ये जो एक फंदा है इस पे एक का तीन करेंगे। एक बार बना के धागा घुमाया, फिर से ऐसे बनाया, एक फंदा सीधा, फिर एक पे तीन बनाएंगे। उल्टी लाइन में जो जैसा दिख रहा होगा वैसे ही बनेगा। ये दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट का जो फंदा है वो सीधा बनेंगे, वो एच का फंदा है। अब देखिए, इस तरीके से ही कंटिन्यू कीजिए आप इसको और ये ऐसा लुक आएगा इसका। देखिए तो फिर बनाइए, और डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर आप किसी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करके देखिए, और फिर वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।